हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ स्पेशल है, मतलब स्पेशल इन द सेंस कि कुछ सरप्राइज, बिग सरप्राइज फॉर यू। चलो मैं रिवील करने जा रही हूँ वो सरप्राइज क्या है, तो आप मेरे साथ 3, 2, 1 काउंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। 3, 2, 1। मेरी गंदी किचन। अरे लिया, बस इतना ही दिखाऊंगी, आगे नहीं दिखाऊंगी आपको। मुझे पता है आपको उनसे बात करनी है। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलूं, आज भारत को आजादी मिली थी और मेरे को देखो। बोलो बोलो। चलो कोई नहीं, आज मैंने तुम्हें काम से आजाद किया। आज मेरे को आजाद कर दिया काम से? आज तुम्हारी आजादी का दिन है। तो फाइनली वो लोग पूछ रहे थे ना, कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा आ रहे थे कि आपके हस्बैंड रॉ में काम करते हैं क्या? बस के हो ये देखो, काम ही कर रहे हैं, रॉ में ही काम करते हैं। बहुत काम करते आपको पता ही है। पहले आप जब बैक साइड पे आवाज सुनते होते थे इनकी, ये ऐसे ही बोलते थे, अभी भी ये ऐसे ही बोलेंगे? ये अभी शुरुआत है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसी चीज को लेके कि वो आपके हस्बैंड के रॉ में काम करते हैं। कहाँ काम करते जो आप उनको लेके नहीं आते हो वीडियो में? जिस भाई ने बोला था कि रॉ में काम करते, भाई तुमको भी मिलेगी नौकरी, आओ मेरे साथ, मैं तुमको भी दिलवाऊंगा, रोम में काम करेंगे दोनों भाई मिलकर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, ये काम मैं भी करती हूँ, मैं ही काम करती हूँ मेरे। हाँ, बट ये बात है कि मेरे हस्बैंड को सारा खाना आ जाता है बनाना, मतलब सब कुछ जो भी कुकिंग्स में होता है। बट आज ऐसा है कि ये मुझे कुछ स्पेशल फील करवाना चाह रही, क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है पिछले कुछ दिनों से। बस देखा, अब नहीं मेरे पास मिलने वाला, अब तो ये यहीं पे रह करेगा। देखो, अब तुम लोग समझ गए होगे गुरु का क्या हाल हो रहा है। अगर चेले को मैंने सिखाया ना, मेरे को ही काम पे लगा दिया। देखे आजकल के चेले, गुरु को ही काम पे लगा दिया, देख रहे हो तुम लोग? देख रहे हो? तो ये अभी प्याज भूना जाएगा। गंदी किचन देखे ना, ये लड़कों के काम करने का तरीका है, तुम नहीं जानते हो। लड़के बहुत साफ सफाई से काम, देखो कितने सही तरीके से प्याज और पनीर काटा है अभी, कितना सही तरीके, देखो कैसे सजा के रखा हुआ है हमने। आपने और ये बस ये जो है ना, ये है ही गंदा यहाँ पे, इसका मैं क्या करूँ बताओ तुम? इसको है? पता क्या किया जाता है, इसको उठा के डस्टबिन में फेंका जा सकता है। अभी काम कर रहा हूँ ना मैं, फिर फेंकेंगे उसमें। गुरुजी थोड़ा सा दिखाइए। आए गुरुजी, देखा अब क्या देखा? देखा कितना अच्छा बनाते हैं यार, ये बात तो मानने वाली है आपकी, ये बात तो है। मैं एक एडवाइस तो नहीं है, मतलब मेरी खुद की दिल की बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब अगर आप बीमार हो, अगर आप घर पे अकेले हो और आपके हस्बैंड हो, अगर हस्बैंड को खाना ना बनाना आता हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आसान हो जाता तो अगर डॉक्टर ने ये बोला हो कि बाहर का खाना नहीं खाना है, तो हस्बैंड को खाना बनाना आता होगा तो आसान होगा काम, मुश्किल क्यों होगा पागल औरत? ये था क्या मेरा दिमाग आज को थोड़ा सा, उसके लिए दिमाग होना भी चाहिए। देसी रोटी आ गई है, पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, तो मुँह में पानी मत लेके आना। रोटी राइस। अभी हम जा रहे हैं मॉल शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, इनके पास लुटाने का दिन आया। आज पीछे छोटी मोटी चिल्लर वाली शॉपिंग होती है, आज बड़ी वाली शॉपिंग होगी। सो फाइनली हम आ गए पैसिफिक मॉल। ये जो मॉल है ये सुभाष नगर में है। आफ्टर 2 ईयर्स, मोस्ट ऑलमोस्ट 2 ना, 2 साल बाद आए ना, 2 साल बाद आए। सो एक छोटी सी लुक आपको दे देती हूँ मॉल की। बहुत बड़ा मॉल है, जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन बाहर वालों के लिए। बहुत बड़ा मॉल है, खाने पीने का एवरीथिंग, खाने पीने का लेके सब कुछ। हाँ तो जिंदगी बन गई, आज लूटो जितना लूटना है। फाइनली हम आ चुके हैं वापस शॉपिंग से, करने गए थे शॉपिंग लेकिन शॉपिंग नहीं हुई यार। इतनी आज इंडिपेंडेंस डे था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब पैर रखने की जगह तक नहीं थी, और सब जगह भरे हुए थे, और मेरे वैसे भी बिल्कुल अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा बॉडी में, तो मेरी हिम्मत नहीं थी। फाइनली रीज़न आपको रिवील करना था कि क्यों मेरे हस्बैंड पहले नहीं आ रहे थे,
और अब अचानक आए हैं क्योंकि दो एक वीडियो से पहले जो हमने बातचीत करी थी उसमें, और अब मैं आई थिंक आप सब यही सोच रहे हो कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम से आगे, तो मैं चाहूंगी कि वो ये रीजन खुद ही बताएं अपनी तरफ से। अगर मैं बोलूंगी तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बोलती बहुत ज्यादा है ना ये, मैं बोलती बहुत ज्यादा तो, हम लोगों को टू द पॉइंट बोलने की आदत है यहाँ पे, लॉजिकल बात टू द पॉइंट बात। तो रीजन कुछ ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं जहाँ काम करता हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, वहां पे ये चीज अलाउड नहीं थी, जिस चीज को मेरे को कंफर्मेशन नहीं था। बट मैंने यहाँ पे कुछ पता किया कुछ अपने सोर्सेस के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपके नाम से नहीं है, आपके फैमिली में है, आपके खुद के नाम से नहीं है, सो इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एश्योरेंस हो जाने के बाद मैंने बोला आप तो बल्ले बल्ले होगी, ठीक है, तो आप ठीक है, इसकी आप सामने से मतलब पीछे से आवाज के थ्रू नहीं, सामने आकर बेइज्जती करने का मजा ही अलग होगा। बस वही यहाँ पे रीजन था कि जिस वजह से मैं पहले नहीं आ रहा था, और अब आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे हूँ, तब हम लोग सभी मिलकर जो है पब्लिक डिमांड के ऊपर टाइम टू टाइम इनकी बेइज्जतियां हम लोग करते रहेंगे। एक बात, इसका मतलब ये नहीं है जो आपको इन्होंने फोर्थ व्लॉग में बोला था ना कि 1000 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर होंगे, हाँ जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसके ऊपर एक अच्छा सा एक सरप्राइज है जो तभी रिवील होगा जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तो प्लीज जल्दी जल्दी जाओ 1000 सब्सक्राइबर, बहुत बड़ा सरप्राइज है सभी के लिए भी यहाँ पे, और वो बहुत जल्दी रिवील करेंगे। आप जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओगे उतनी जल्दी वो हम लोग रिवील करेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो आप सामान आए, अरे तुम बोलो, बोलो ठीक है, आप ही बोलो, अरे चलो आप ही बोलो, नहीं मेरे को बोलने का, चलो आजकल आज बिल्कुल चुप रहूंगी मैं, सिर्फ ऐसे ऐसे करूंगी, बाय बाय, जो आपको बोलने लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो बोलना है वो बोल दो, चलो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो यहाँ पे, और सभी लोग खुश रहो, एंड वंस अगेन 75th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्लॉग तो इंडिपेंडेंस डे के दिन हम शूट कर रहे हैं, बट आएगा ये शायद एक दो दिन लेट यहाँ पे, शुभकामनाएं ना बोलो हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश मार लो यार, थोड़ा छोड़, हिंदी में शर्म आती है तुमको, हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे, अंग्रेज बर्थडे, थोड़े दिनों में आपको इंग्लिश का इनका है ना वो ट्रेलर भी दिखाऊंगा, कोई ना, या आई स्पीक वेरी वेरी, आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बेटर, हां बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश कमिंग टू हर, इंग्लिश कमिंग टू मी नॉट हर, समझ गए, ओके गॉट इट, नॉट हर, समझ गए, नॉट मी, समझ लो, ओके ठीक है, ठीक है चलो, तो यहाँ पे मिलते हैं अभी, ठीक है, व्लॉग थोड़ा सा शायद एक दो दिन लेट आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा एडिटिंग का काम बाकी है इसके अंदर, तो जल्दी मिलेंगे आप लोगों से जल्दी अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।